देता है केंद्र सरकार को, हाँ अप्रूवल देता है संसद, चुनाव नहीं होता होगा। देखिए किसका, विधान परिषद का, विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि, किस विधि अप्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं एमएलए दरोगे एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको कहते हैं एमएलए, इसको कहते हैं विधायक, विधानसभा बोली चाहे विधायक बोली क्या बात है, लोकसभा बोली चाहे, वोट किसका होता है लोकसभा की राज्यसभा का, उसका राज्यसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष विधि की अप्रत्यक्ष, लोकसभा के सदस्य का चुनाव करो बताइए कि लोकसभा कितना सीट टोटल अभी तक है, जिसका चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि है। जैसे समझिएगा पूरा बिहार क्या है, पूरा बिहार है ना, बिहार में कितना एमपी है, बिहार में कितना एमपी, देखिए एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हो गया मेंबर ऑफ, बिहार में कितना एमपी है याद रखिएगा, हर एक राज्य में सीट होता है इसे कहते हैं एमपी। देखिए एक सीट होता है लोकसभा का सीट, एक होता है राज्यसभा का सीट, एक होता है विधानसभा का सीट, एक होता है विधान परिषद का सीट, याद रखिएगा लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद, विधान परिषद कितने राज्य में है याद रखिएगा, विधान परिषद पहले था 7 राज्य में, जब जम्मू कश्मीर को अलग किया गया ये बन गया केंद्रशासित प्रदेश, इसको क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका 7 में घट गया कितना हो गया, क्वेश्चन आता है विधान परिषद कितने राज्य में है, पहला राज्य, दूसरा राज्य, पहला राज्य 6 राज्य है आपको, 6 राज्य है, क्लियर कर देते हैं समझ लीजिए, पहला राज उत्तर प्रदेश, दूसरा राज बिहार, तीसरा राज महाराष्ट्र, चौथा राज कर्नाटक, पांचवा राज आंध्र, छठा राज तेलंगाना, सातवां ये था, समझ लीजिएगा क्वेश्चन आता है विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, विधान परिषद किस राज्य में, देखा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो पता रहेगा तभी, पहला राज्य कौन सा, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, इसके बाद, उसके बाद तेलंगाना किससे कट कर अलग हुआ, आंध्र प्रदेश में है, में भी है, अब पूछेगा कि बिहार विधान परिषद तमिलनाडु में है, विधान परिषद तमिलनाडु में, ये अभी स्थापना करने के लिए बंगाल उछल रहा और ये उड़ीसा उछल रहा, देखिए सरकार पर कितना लोड है, काम करने में दिक्कत हो रहा है, विधान परिषद का गठन कर सकता है, और अगर इच्छा है कि नहीं करना तो विधान परिषद का मतलब सृजन क्या हो गया, मतलब मतलब स्थापना कर सकता है या समाप्ति कर सकता है, विधान परिषद पॉलिटिकल का टॉपिक है, ये विधान मंडल का द्वितीय सदन है, इसे परमानेंट सदन कहते हैं, इसका जीवन इसका कार्यकाल 6 साल है, बिहार में कितना सीट है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या, विधान लोक राज्यसभा 16, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, अगर हम देखिए बताते हैं, अगर हम एक राज्य का लोकसभा सीट लिखे हैं अगर बिहार का, तो समझ जाइए 40 क्या है लोकसभा, दूसरा सीट क्या होता है राज्यसभा, मतलब 40 के बाद और 16 के बाद 200, मतलब पहला सीट क्या कहलाएगा, उसके बाद, उसके बाद अगर हम लिख रहे हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश लिख रहे हैं 29/11/230, मतलब 29 क्या दर्शा रहा है, 11 क्या दर्शा रहा है, और 30, अरे मध्य प्रदेश में यहाँ अस्थि है, हाँ 29/11/230 क्या है, 29/11 क्या है लोकसभा कितना हो गया, अगर हम दिखा रहे हैं 5/3/70 तो 5 क्या है, 3 क्या है, 70 क्या है, ये कहाँ का है, सही पीछे, हाँ ये उत्तराखंड का, इसका है, अगर हम दिखा रहे हैं 13/7/117 तो ये दिखा रहे हैं हम पंजाब का, पंजाब में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, अगर हम दिखा रहे हैं 4/3/68 तो ये दिखा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश का, एक एक लोकसभा सीट इम्पोर्टेंट है,
लेकिन उतना अगर नहीं याद है तो कहानी खत्म कीजिए, बताते हैं सबसे ज्यादा सीट वाला लोकसभा यूपी के बाद आता है, बोलिए 80 के बाद आता है 48 कहाँ है महाराष्ट्र, 48 के बाद आता है 42 कहाँ है 42 के बाद आता है 40 कौन 40 के बाद आता है 39 कहाँ तमिलनाडु बताए 29 मध्य प्रदेश में 29 जगह सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य तीन गोट है, पहला यूपी, दूसरा तीसरा सबसे कम कहाँ है गोवा, गोवा में 2 गो है कम का मतलब क्या हो गया जहाँ एक से एक हो, सिक्किम मिजोरम नागालैंड तीन राज्य जहाँ लोकसभा सीट एक। क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, किस राज्य में लोकसभा सीट सबसे कम, मतलब एक कम है, पहला राज्य क्या हो गया सीएम देखिए इसका बताते हैं कभी मत भूलिएगा, पहला राज्य क्या हो गया ये तो याद हो गया समझा था, उसके बाद 80, 48, 42, 40, 39 ठीक है, राजस्थान में 25, गुजरात में 26, 29 यहाँ, ये तो हो गया 80, 48 क्या गया 42, 40, 39, 25, 26 कुछ कुछ राज्य का कम से कम 15 राज्य का याद रखेगा, जो तो ज्यादा है गोवा का है, गोवा का अक्षर का है 3 अक्षर इंग्लिश में, उड़ीसा देखिए बताते हैं उड़ीसा क्या लिखा था, अरे सब पर काम करेगा उस तरह सब जगह काम करेगा, उड़ीसा कितना लास्ट में 21, उड़ीसा में लोकसभा सीट 21, उत्तराखंड उत्तराखंड क्या अक्षर है, उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, उड़ीसा में कितना सीट पूछेगा आपका, गोवा में कितना सीट 2, लेकिन अब आइए सबसे कम, 2 से कम एक लोकसभा सीट वाला राज्य समझिएगा, पहला राज्य हो गया सिक्किम, क्या हो गया पहला राज्य सिक्किम, मतलब लास्ट में क्या है और लास्ट में कम, मतलब सबसे कम क्या हो गया एक, मतलब कम मतलब क्या सबसे कम, एक सेकंड कम होता है 0 नहीं होता है, सबसे कम क्या है एक। उसके बाद आता है नागालैंड, नागालैंड में कितना लोकसभा, नागवा कई गो एक, क्यों नागवा है ना कि 2 को होते हैं, नागवा कई गो, सिक्किम मतलब क्या कम, और लास्ट आई आपका मिजोरम, क्या आता है मिजोरम, रम समझते हैं हाँ खम्बा, रम कितना बोलता है एक बोलता है, पूछेगा एक लोकसभा सीट वाला राज्य इनमें से कौन सा, पूछेगा एक लोकसभा सीट किस राज्य में नहीं है, सिक्किम नागालैंड मिजोरम गोवा, गोवा के अलावा एक और राज्य और ठूस जगह मणिपुर, तो इसके अलावा अगर दिख जाए ये तीनों स्टेट में एक ही लोकसभा, याद रखिएगा हाँ छोटा छोटा है, क्वेश्चन आएगा देखिए उड़ीसा 21, गोवा 2, सिक्किम एक, क्या रखना कम, नागालैंड एक, उसके बाद मिजोरम खत्म, उसका उल्टा पूछेगा किस रोज किस लोकसभा में एक सीट संख्या नहीं है, सबसे ज्यादा दूसरा महाराष्ट्र, उसके बाद उसके बाद उसके बाद तमिलनाडु, ये सब पॉलिटी का क्वेश्चन है, अब पढ़ा रहे कुछ ही में हिस्ट्री में, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है चलिए, सबसे कम लोकसभा सीट हाँ सिक्किम नागालैंड मिजोरम, 2 गोवा में कितना 2, बाकी 2, 3, 4 सब देख लीजिएगा ठीक है, हरियाणा में 10 है, कितना है अपना राज्य रखिएगा 40, 16, 243, विधान परिषद पूछेगा तब 75, 40, 16 इसी तरह विधानसभा का चुनाव होता है कि नहीं, अरे 20 में किसका चुनाव हुआ, आप चुनाव कितना चीज का देते हैं वोट, विधान वोट देखिए आम व्यक्ति वोट देता है सबसे पहले लोकसभा का, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो लिखाएगा लोकसभा चुनाव 2024 अगला लोकसभा चुनाव कब होने वाला है 24 2024 में कैवा है हाँ ये 16वां होगा
अभी 15वां है, 15वां होगा तो 2019 में, ठीक है। उसके बाद आपका लोकसभा बाद क्या आएगा? विधानसभा। ये खत्म होगा विधानसभा, विधानसभा में चुनाएगा सीएम, एरा में चुनाएगा पीएम, एगो सीएम एगो पीएम। इसके बाद का जो चुनाव होता है बस पंचायत चुनाव मुखिया वाला, इसके अलावा भी कोई आप वोट देते हैं? 3 वोट दीजिएगा। अगर मास्टर वगैरह बन गए आपका, टीचर वगैरह, तो एमएलसी में चुनाव जाकर आप, अगर स्नातकोत्तर हैं, पीजी वगैरह हुआ है ना, तो एमएलसी का चुनाव आप ले जाकर वोट दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी नहीं, आम व्यक्ति नहीं, जिसका उसका उसका नॉमिनेट करना पड़ता है, नाम मतलब वोटर आई डी, जिसका चुनाव, अगर जिसका वोट आप दे रहे हैं वो चुनाव कहलाएगा। क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मुख्यमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का कभी वोट दिए आप लोग? नहीं, नहीं दिए। कभी वोट दिए एमएलसी का चुनाव का? नहीं दिए। जिसका चुनाव अगर नहीं समझ में आ रहा मार दीजिए। तो जी एक क्वेश्चन आता है, नाम सुनोगे, सबसे नगर वाला चुनाव सबसे छोटा कहीं का होता है? नगर पंचायत। नगर पंचायत से बड़ा? नगर परिषद से बड़ा? नगर पालिका। ये तीनों को, तीनों आता है नगर पालिका में, इसमें आता है नगर निगम का हेड क्या कहलाता है? मेयर या महापौर। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष विधि की अप्रत्यक्ष विधि? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। ये कैसे? बिहार में नगर निगम है 16 कितना को? देखिए, जिसका 10 लाख से ज्यादा आबादी वो क्या में कहलाएगा, और जिसका 10 लाख से कम आबादी और उससे कम 1 लाख से इसका आबादी है, देखिए समझ गया, 10 लाख से ऊपर चल गया, इससे बिहार शरीफ क्या है? नगर निगम। शेखपुरा, चेवाड़ा, शेखोपुर सराय, इससे होता है ना गांव में क्या सबसे छोटी का है ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या होता है? हाँ, बरबीघा नगर परिषद। देखिए यहाँ तक बिहार बता रहे ना, बहुत सारे जहाँ नगर निगम रहेगा वहीं होगा मेयर। मेयर को इसमें कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर निगम का अध्यक्ष होता है मेयर, और मेयर नहीं रहेगा तो होगा। अब जब इसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि होता है, होता है ना, होता ना जनता, इसका भी जनता होता है, इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष विधि होता है, लड़का फंस जाता है। नगर निगम का चुनाव यानी महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष विधि की अप्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्ष विधि होगा। अभी जो चुनाव हुआ था ना, इससे नगर परिषद के साथ वोटिंग नहीं होता है, डायरेक्ट वोटिंग होता है, जो जीत के जाता है वो देता है, डायरेक्ट वोटिंग होता बता रहे हैं। अब बताइए नगर परिषद है बरबीघा में, क्या नगर परिषद होगा बिहार में? वहाँ क्या होगा? अब नगर निगम का व्यक्ति जो वोट देगा, इसे होता है ना आपका चेयरमैन का वोट होता था ना, चेयरमैन का, तो यहाँ पर होता है नगर निगम का, और वो जो पद होते हैं 3-4 होता है, जैसे पंचायत का वोट देते हैं मुखिया में, तो मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला अध्यक्ष होता है, होता है 4-5 का, सरपंच का, उसी प्रकार से भी होता है 3-4 पद का। तो नगर निगम का मेयर क्या कहलाता है? मेयर। मेयर का चुनाव कन्फर्म बताते हैं प्रत्यक्ष विधि। किस विधि? इससे भागलपुर नगर निगम है कि नगर निगम, नगर परिषद है, नगर निगम। तो बिहार में कुछ कुछ जगह नगर निगम नहीं, इसे सीतामढ़ी अभी भी नगर परिषद है, लखीसराय नगर परिषद है, खगड़िया नगर परिषद है, जो बड़ा शहर जिसका आबादी 10 लाख से ऊपर, पटना नगर निगम है, मुजफ्फरपुर नगर निगम, जो बड़ा शहर दिखेगा वहाँ पर देखिए लिखा लगा मुंगेर नगर निगम है, लिखाएगा मुंगेर नगर निगम में आपका स्वागत है, जैसे ही पहुंचेगा ऐसे शेखपुरा लिखा रहेगा कौन। अरे तीनों को अंदर मिलाकर नगर पालिका आता है, तीनों को सिस्टम नगर पालिका। नगर पालिका का कितना स्टेज? सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा पटना में सबसे बड़ा ये होता है। तो मेयर वगैरह का पावर होता है, बड़ा खतरनाक होता है, एक तो बता रहे सभापति जो होता है ना, चेयरमैन कितना हिलाकर रखता है, अभी तो महापौर सोच रहे। साफ सफाई देखने का जिम्मेदारी किसके पास होता है? बहुत सा काम होता है इसके पास देखने का, अपना फंड, अपना अपना फंड होता है, लेकिन राज्य वाला जो कानून व्यवस्था बनाए रखना है वो राज्य का जिम्मेदारी है। साफ सफाई, नली गली, ये सब सड़क उड़क सारा देखना किसका काम होता है, लेकिन क्या कानून व्यवस्था बनाना इसका काम नहीं है, वो राज्य का काम है। तो नगर निगम का चुनाव
प्रत्यक्ष विधि बिहार शरीफ है नगर निगम जिसका जनसंख्या ज्यादा नगर निगम। अभी भी बिहार में कई ऐसा जिला है जहाँ नगर निगम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा बिहार में इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, डाल दिया आपका लखीसराय। लखीसराय तो पता है कि ऐसा ऐसा जिला डालता है ना कि आप लोग को पता ही रहेगा, किसी जिसे सीतामढ़ी डाल दिया। सीतामढ़ी अभी भी नगर परिषद नहीं है, सीतामढ़ी अभी भी नगर परिषद नहीं है, समझ रहे। बहुत सा जिला बिहार में भी नगर परिषद नहीं है, देखिएगा अंदर बिहार का भी समझ जाएगा। नगर परिषद है, नगर निगम में नगर निगम में नहीं, नगर निगम बड़ा होता है ना, सुन रहे। मुजफ्फरपुर नगर निगम है, पटना नगर निगम है, भागलपुर नगर निगम है आपका, दिख रहे हैं। मुंगेर बिहार में कितना प्रमंडल है, याद है नौ प्रमंडल, बोलिए पहला पटना, हाँ तिरहुत, सारण, मगध, दरभंगा, कोसी, सीतामढ़ी नहीं है, पूर्णिया है, हाँ भागलपुर गया। देखिए नहीं याद बता देते हैं, एकदम आसानी से चल जाएगा 9 सेकंड में नवो परमंडल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए परमंडल। जब बीपीएससी का इंटरव्यू भेजा दीजिएगा ना, कहेगा हाउ मेनी डिवीजन इन बिहार, तो बताना नवो का नाम। तो लीजिए पहला जो परमंडल है कौन सा परमंडल, देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मगध, पहले मुंगेर, कौन सा परमंडल, मुंगेर जिला भी है, मुंगेर वाला था कौन सा, मस से मुंगेर, मस से मगध, हो गया पहला मुंगेर। उसके बाद आता है पटना, क्या आता है पटना, उसके बाद आता है सारण, क्या आता है, उसके बाद आता है कोसी, क्या आता है कोसी, उसके बाद आता है आपका तिरहुत, कौन आता है, उसके बाद आता है सतमा पूर्णिया, क्या आता है, उसके बाद आपका आता है दरभंगा, कौन बच गया नौमा, मुंगेर, मगध, पटना, सारण, कोसी, तिरहुत, दरभंगा, उसके बाद आता है भागलपुर। पहला जिला, पहला प्रमंडल मुंगेर मगध, पहला मुंगेर मगध, उसके बाद पटना सारण, उसके बाद कोसी तिरहुत पूर्णिया दरभंगा भागलपुर। अभी लिखिए मत, डायरेक्ट दिमाग घुसाइए। पहला जिला, पहला प्रमंडल, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, पहला बोलिए, पहला मुंगेर, उसके बाद मगध, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद कोसी, उसके बाद, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद, उसके बाद। अब देखिए जिसको हम जिससे पूछेंगे वही लोग बताएगा, सब लोग नहीं बताइएगा, ठीक है। पहला जी, पहला प्रमंडल, पहला दूसरा, उसके बाद पटना, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, चार को आप बोलिए, पहला पटना, सारण, तिरहुत, मगध, मगध, आप बोलिए, हाँ मगध, पटना, सारण, कोसी, नौ बोलिए, मगध, मगध, मुंगेर, पटना, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया। देखिए बताते हैं नौ परमंडल आपको याद होना चाहिए, बताते हैं पहले, देखिए नौ जो परमंडल है ना, कौन परमंडल, नौ, पहला परमंडल मुंगेर, उसके बाद मगध, उसके बाद पटना, उसके बाद सारण, उसके बाद कोसी, तिरहुत। दिखाई दे दिया, पहला परमंडल बताए थे हम क्या, मुंगेर, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद, उसके बाद नौ परमंडल है। मैप से देख लीजिएगा नौ परमंडल कहाँ कहाँ है, ठीक है। आप लोग का जो शेखपुरा जिला के वासी हैं, चाहे बेगूसराय, चाहे मुंगेर, चाहे लखीसराय, चाहे शेखपुरा, चाहे जम्मू, चाहे खगड़िया, ये सारा का परमंडल कहाँ होगा, सारा का परमंडल होगा। इसमें जिला वाइज दिखा दिया है, जब आप बिहार ज्योग्राफी पढ़िएगा तो बिहार ज्योग्राफी की दृष्टि से सारा कुछ आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। पूछेगा कि मुंगेर परमंडल में कौन सा जिला नहीं आता, देखा खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, यहाँ पर साफ दिख दिया, ठीक है, कौन सा जिला आपका किस में आता है। अब बताइए सबसे छोटा कमिश्नरी कौन है, क्योंकि इसमें मात्र दो जिला, बाकी सारा कमिश्नरी ऑफिस, कमिश्नरी उसमें रहना, इसमें सबसे छोटी इकाई क्या हो गया,
ग्राम पंचायत हो गया ना, उसके बाद क्या होता है? पूरा जिला। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ग्राम पंचायत के बाद, उसके बाद नहीं सॉरी, पहले सबसे छोटी क्या हो गया? बाढ़। क्या हो गया? बाढ़ के बाद क्या होता है? ग्राम पंचायत। गांव। गांव के बाद क्या होता है? ग्राम पंचायत। पंचायत के बाद क्या होता है? ब्लॉक। क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक के बाद एसडीएम, मतलब जहां एसडी अति बजे सब डिवीजन अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है? उसका होता है आपका परमंडल। परमंडल देखिए जहाँ मिलेगा आपको सीईओ और बीडीओ, कहाँ मिलेगा? और एसडीओ से मिलना है या डीएसपी से, और डीएम से मिलना है एसपी से, लेकिन आईजी डीआईजी से मिलना है। और परमंडल से बड़ा स्टेज, पूरा परमंडल से बड़ा क्या होगा? जब पढ़ते हैं पुलिस अधिकारी का, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डायरेक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या पहले गुप्तेश्वर, अब ये आरएस भट्टी। कहा है? आरएस भट्टी। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी क्या कहलाता है? डीजीपी। डीजीपी से नीचे आता है आईजी डीआईजी, उससे नीचे आता है एसपी, एसपी और डीएम। एसपी डीएम हमेशा देखिए, जब पुलिस अधिकारी जब पढ़िएगा ना आपका सारा पुलिस अधिकारी का, देखिए आप पहचान कर बता सकते हैं कि कौन सा पुलिस अधिकारी क्या है। आप बता सकते हैं कि एसआई से लेकर कॉन्स्टेबल से लेकर सबसे बड़ा अधिकारी कौन कौन होता है। आप लोग यहाँ पर देख बता सकते हैं कि कौन अधिकारी किस रैंक का होता है। सबसे बड़ा क्या कहलाता है? डीजीपी बोलिए चाहे एडिशनल डीजीपी बोलिए। सबसे छोटा असिस्टेंट, उसके बाद देखिए आपका एसपी सुपरिटेंडेंट। आप जब बीपीएससी दीजिएगा ना तो आपको यहाँ तक ले जाएगा पुलिस अधिकारी। बीपीएससी में आप डीएसपी तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी हैं, क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कहाँ जाएगा? किसी को कहते हैं आईपीएस, क्या बोलते हैं? डीआईजी है तो भी यूपीएससी से साथ नहीं। देखिए अगर 10 साल एक्सपीरियंस रहा, 10 साल से आपको क्या बना देगा? इससे 5 साल बढ़िया एक्सपीरियंस होते तो कहाँ यहाँ पहुँचेगा? डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा वहाँ पर। इससे आप डीएम बन गए, डायरेक्ट डीएम बन गए, तो डीएम से सीधे बनिएगा किसी का सेक्रेटरी, सचिव होता है। क्या होता है? तो सचिव बड़ा कि डीएम बड़ा? सचिव। का कुछ होता है ना, ग्रामीण विकास का सचिव, नीतीश कुमार का सचिव, सब डीएम क्लास लगा सकता है। और सचिव से बड़ा होता है फिर अपर सचिव, फिर अपर मुख्य सचिव, उससे भी आपका जितना होता है ना सचिव, मुख्य सचिव, हाँ बहुत सा सचिव होता है। तो आपका सबसे जो होता है ना अपर मुख्य सचिव, सबका डीएम क्लास लगाता है। तो डीएम अगर बढ़िया रहा ना तब तो सेक्रेटरी बनता है, उससे बड़ा तो फिर आपका, और अच्छा रहा तो फिर आपका वो सब आपका सब सब इतना भी मंत्री होता है ना सब कोई वो एक ना एक सेक्रेटरी मिल जाता है, बढ़िया सेक्रेटरी, इसे सचिव कहते हैं। तो आपका देख रहे हैं सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का डीजीपी बिहार के, कौन है? आरएस भट्टी। कौन है? आरएस भट्टी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? स्मॉल डेट 8 अगस्त 1942। करो या मरो का नारा कब दिया गया? इसी आंदोलन में महात्मा गांधी का पत्नी का देहांत हुआ 1942 में। किस जेल में महात्मा गांधी को रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में। सरोजिनी नायडू, बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रख दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। क्या लेकर आया था? संविधान लेकर आया था। क्या लेकर आया था? देखिए 1943 जो है ना, 1942 43 44 45 और 46। 42 तो पता हो गया सुभाष चंद्र बोस, 1943 और 44 समझिएगा। सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार को क्या करवाएं? आज़ाद करवाते हैं, नया नाम रखते हैं शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार को आज़ाद करवाएं 1943 में, अंडमान का नया नाम रखें स्वराज द्वीप, क्या रखें? और निकोबार का रखें शहीद द्वीप, क्या रखें? शहीद। अंडमान को आज़ाद किसने कराया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कराया? सुभाष चंद्र बोस। अंडमान का नया नाम और निकोबार का सही। उसके बाद कौन सा आ गया? 45 वर्ष घटना दो साल में पैदा करवाए थे 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध की, और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। एक बम का नाम है, एक जगह का नाम है हिरोशिमा, एक जगह का नाम है नागासाकी। एक बम का नाम लिटिल हुआ, एक बम का नाम फेंट में। उसके बाद 1946 में आ गया कैबिनेट मिशन, और 1946 के बाद आ गया 1947, इसमें
3 जुलाई 1947 को निर्णय हुआ कि भारत को आजाद करना है। कब घोषणा हुआ? देखिए घोषणा का पूछेगा, घोषणा कब लिया गया? इससे बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905, लेकिन किया कब गया? 16 अक्टूबर 1905। तो 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन का घोषणा किया गया और इसके अगले महीने में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गया और 14 अगस्त को क्या हुआ? पाकिस्तान आज़ाद हो गया। पूछेगा भारत आज़ाद पहले कि पहले पाकिस्तान? तो भारत को आज़ादी कब मिला? पाकिस्तान को आज़ाद कब मिला? लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन आएगा, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 तो आज़ादी करवाने का योगदान किसका होगा? इसी को आते हैं, क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, आंसर आपका वही रहेगा। उसके बाद आएगा स्वतंत्र भारत के, हो गया, उसके बाद आएगा भारत के अंतिम वायसराय, कौन होगा भारत के अंतिम वायसराय? यही रहेगा, अंतिम क्या रहेगा? लेकिन थोड़ा सा आपका आंसर क्वेश्चन घुमा देगा, ये था आपका क्या अंग्रेजी का क्या था, लेकिन क्वेश्चन ये हो गया, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन क्या कहेगा? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब क्या लगा दिया? क्या लगाया? सिर्फ अंतर क्या है? भारतीय था। इसका आंसर होगा सी राजगोपाल। क्या होगा? सी राज, ये होगा जो पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती। अब यही क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम, इसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बना था, ये लगभग 48-49 तक रहे थे, कौन? 2 से 3 साल तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका? जब माउंटबेटन यहाँ से आज़ादी मिला तो बोला कि तुम लोग अपना जो करना है करो, हमको उससे मतलब नहीं है, और इनको आज़ादी मिलने वाला फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। दोबारा हमारा स्वतंत्र भारत का अंतिम पानी आ गया, कितना टाइम हुआ? 7 का इसको लिख लीजिए।